आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज से वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, 15 से 18 साल के बच्चों का शुरू होगा वैक्सीनेशन। देश भर में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुआ पंजीकरण। टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश भर में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुए पंजीकरण। टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। देश भर में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। देश भर में शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कोरोना को हराने के लिए वयस्कों को वैक्सीनेशन हो चुका है। वयस्कों को वैक्सीन दी जा चुकी है, वही बच्चों का वैक्सीनेशन भी आज से शुरू हो रहा है। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराया जा चुका है। देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था। जहां पहले माता पिता परेशान थे कि उनके बच्चों को वैक्सीन कब लगेगी, तो वहीं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की व्यवस्था कराई जा रही है। माता पिता के लिए ये बड़ी खबर है। देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। कोविन ऐप पर 7.90 लाख हुए रजिस्ट्रेशन। बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हुए। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, बड़ी संख्या में लोगों ने अपने बच्चों के लिए पंजीकरण करवा लिया है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन अब उपलब्ध है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया था, तो उस दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी घोषणाएं की थी शिखा, और उसी घोषणाओं में एक प्रमुख घोषणा ये थी कि जो 15 से 18 साल के बच्चे होंगे उन्हें भी वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनका भी वैक्सीनेशन होगा। और उसी कड़ी में आज से ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस वैक्सीनेशन में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, और इनकी संख्या उत्तर प्रदेश में करीब 1.40 करोड़ है। और आज इसी वैक्सीनेशन कैंप का, इसी वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने वाले हैं। 9 बजे सुबेरे वो जो सिविल अस्पताल है वहां पर जाएंगे और वहां पर इस टीकाकरण योजना की शुरुआत करेंगे। जी, तो पहले परिजन परेशान थे कि वैक्सीन कब लगेगी बच्चों को और कोरोना से कैसे बचा सकेंगे, लेकिन अब ये बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, और अब कब और कैसे व्यवस्था की गई है कि बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे? देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन बीते दिनों होना शुरू हो गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, तब से ही इसका रजिस्ट्रेशन जो था वो होने लग गया था। और उसके बाद आज से इसके जो सेंटर की शुरुआत होगी, इसके आज से इसके सेंटर की शुरुआत होगी, और उसके बाद उम्मीद यही है कि आज से ही जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी नितिन, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं बच्चों के वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए? देखिए, कुछ खास इंतजाम तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कि पहले इसके पहले जिस तरह से इसके पहले जो वैक्सीनेशन होता था उसी कड़ी में उसी तरीके से ये वैक्सीनेशन भी होगा। अलग अलग जगहों में, अलग अलग अस्पतालों में सेंटर्स बनाए गए हैं, और वहां पर जिस नियम के अनुसार वैक्सीनेशन होता था उसी नियम के अनुसार बच्चों का भी वैक्सीनेशन होने वाला है। लेकिन अहम बात यह है कि जिस तरह से जो अभिभावक थे वो लगातार परेशान थे कि जो हम लोग को वैक्सीनेशन तो हो गया, लेकिन बच्चे जो स्कूल जाएंगे या फिर बाहर निकल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कोविड के नियमों का पालन भी नहीं कर पाते थे। साथ में लंच करना हो गया या फिर चेहरे पर मास्क ना लगाना हो गया, तो ऐसे में जो परिवार था, जो अभिभावक थे, वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर रहते थे कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी, उन्हें तो वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। तो उसी कड़ी में ये वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है और वैक्सीन की जो इजाद है वो हुई है, और अब उसका भी जो रास्ता है वो खोज लिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी जानकारी देते रहिए।
तो कोविन ऐप पर 7.90 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं टीकाकरण केंद्रों पर, बड़ी संख्या में पंजीकरण की व्यवस्था भी है, देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिस तरह से वयस्कों का विशाल वैक्सीन अभियान चलाया गया और उसी तर्ज पर अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन की जो पंजीकरण की व्यवस्था है वो टीकाकरण केंद्रों पर भी है और देश में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, सुबह 9:30 बजे करेंगे पुस्तक विमोचन। पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक का होगा विमोचन, सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स का कार्यक्रम। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 12 बजे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी वितरित करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है, सीएम सुबह 9:30 बजे करेंगे पुस्तक विमोचन। पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक का विमोचन करेंगे, सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स का कार्यक्रम है। इस खबर पर वैसा संवाददाता नितिन जुड़े हुए हैं। नितिन, आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई सारे प्रमुख कार्यक्रम है। बहुत दिनों बाद आज राजधानी लखनऊ में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसको देखते हुए उनके कुछ प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले सुबेरे 9:30 बजे वो एक पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं, जिसमें ये पुस्तक पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक है और उसी पुस्तक का विमोचन करने के लिए लोकभवन के द्वार इकट्ठा होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर इस पुस्तक का विमोचन करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है 11 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स का एक कार्यक्रम होना है, जहाँ पर उनको कुछ प्रमुख तोहफे प्रमुख स्वागतें देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और उसके बाद 12 बजे श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज 1,000 रुपया सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा, तो उसकी जो किस्त है उस किस्त का किस्त को श्रमिकों के खाते में भेजने की जो प्रक्रिया है उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है, पूर्व गवर्नर राम नाईक की पुस्तक का विमोचन करेंगे, 11 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स का कार्यक्रम है, तो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता भी वितरण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल। महाराष्ट्र दिल्ली समेत कई राज्यों में नए केस, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,194 नए मामले आए सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है, देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल। महाराष्ट्र दिल्ली समेत कई राज्यों में नए केस आए सामने, 24 घंटे में 3,194 नए मामले मिले दिल्ली में, देश भर में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत, बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 दिवसीय सत्र आज से हो रहा शुरू, सत्र में एक बार फिर हंगामेदार होने के आसार, विपक्ष आबकारी नीति पर सरकार को घेरेगा। आज से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत, बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 दिवसीय सत्र आज से हो रहा शुरू, सत्र में एक बार फिर हंगामा देखने को मिल सकता है, विपक्ष आबकारी नीति पर उठा सकता है सवाल। आज से दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, हंगामेदार शुरुआत होने के आसार हैं, 2 दिवसीय सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, सत्र में एक बार फिर हंगामा होने की आशंका है, विपक्ष आबकारी नीति पर सरकार को घेर सकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सतर्क, बड़ी खबर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई शुरू, दिल्ली गुजरात के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सतर्क, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई शुरू, दिल्ली गुजरात के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सुप्रीम कोर्ट सतर्क, बढ़ते कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट सतर्क नजर आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अब वर्चुअल शुरू होगी सुनवाई, दिल्ली गुजरात के बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सख्त फैसला लिया है, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सतर्क नजर आ रहा है।
लखनऊ में बीजेपी चलाएगी लाभार्थी संपर्क अभियान, बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार में मंत्री होंगे शामिल। पार्टी के पदाधिकारी लाभार्थियों तक जाएंगे, लाभार्थी संपर्क अभियान 4 जनवरी से होगा शुरू। लखनऊ में बीजेपी चलाएगी लाभार्थी संपर्क अभियान, बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री होंगे शामिल। पार्टी के पदाधिकारी लाभार्थियों तक जाएंगे, लाभार्थी संपर्क अभियान 4 जनवरी से होगा शुरू। लखनऊ में बीजेपी चलाएगी लाभार्थी संपर्क अभियान, बीजेपी की केंद्र और यूपी सरकार के मंत्री भी होंगे इसमें शामिल। पार्टी के पदाधिकारी लाभार्थियों तक जाएंगे, लाभार्थी संपर्क अभियान 4 जनवरी से होगा शुरू। लखनऊ में आज से शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करेंगे सीएम योगी। सुबह 9 बजे लखनऊ जिला अस्पताल जाएंगे सीएम, वैक्सीनेशन की शुरुआत देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टरों से जानकारी के अलावा तैयारियों के करेंगे समीक्षा। लखनऊ में आज से शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कार्यक्रम का मुआयना करेंगे सीएम योगी। सुबह 9 बजे लखनऊ जिला अस्पताल जाएंगे सीएम योगी, वैक्सीनेशन की शुरुआत देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टरों से जानकारी के अलावा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। लखनऊ में आज से शुरू हुआ बच्चों का वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सीएम योगी समीक्षा करेंगे। सुबह 9 बजे लखनऊ जिला अस्पताल में समीक्षा करेंगे, वैक्सीनेशन की शुरुआत देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टरों से जानकारी के अलावा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। वाराणसी विश्वनाथ धाम में भीड़ पर मंदिर प्रशासन अलर्ट, विश्वनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर लगाई गई रोक। मंदिर प्रशासन ने काशी वासियों से की अपील, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक दर्शन करने की अपील। शुभारंभ के बाद लाखों की संख्या में आ रहे श्रद्धालु, 1 जनवरी से 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वाराणसी विश्वनाथ धाम में भीड़ पर मंदिर प्रशासन सख्त, विश्वनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर लगाई गई रोक। मंदिर प्रशासन ने काशीवासियों से की अपील, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक दर्शन करने की अपील। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।